जय श्री राम। मैं रोशनी कुशल जायसवाल आप सभी देशवासियों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं गुजारिश करना चाहती हूँ उन अंधभक्तों से कि अपने भक्ति का चश्मा उतार के इसी होलिका में दहन कर दीजिए, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति ये है कि कहीं आपको आपके भगवान की भक्ति की सामग्री खरीदने के लिए भी कर्ज न लेना पड़ जाए। भारत सरकार ने अपने ऊपर $111 बिलियन का कर्ज बढ़ा लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया है भगवान के स्पेशल 36 भक्तों ने, जिन्होंने 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज लिया और दूसरे देश में जाके रफू चक्कर हो गए। और आज भारत की स्थिति ये है कि यस बैंक, जो कि नो में तब्दील होने वाला है, जिसने 600 करोड़ रुपए का नुकसान दिया है, यही नहीं, यूनियन बैंक ने 1190 करोड़ रुपए का नुकसान दिया है, पंजाब नेशनल बैंक ने 4750 करोड़ रुपए का नुकसान दिया है, एयर इंडिया ने 11000 करोड़ रुपए का नुकसान दिया है, बीएसएनएल ने 14000 करोड़ का नुकसान दिया है, सबसे बड़ी बात वोडाफोन ने मात्र 50000 करोड़ रुपए का नुकसान दिया है। हमारे देश के 7 हवाई अड्डे अडानी को दिए जा चुके हैं, हमारे देश की धरोहर लाल किले को किराए पे रखा जा चुका है, और यही नहीं, रेलवे जो कि बिक्री के कारगार पे है। तो मैं आप सब से पूछना चाहती हूँ, स्पेशली अंधभक्तों से, कि इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। धन्यवाद।